हेलो गाइस, माय नेम इज अंकुश निकोसे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकुश निकोसे ब्लॉग्स। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है और बहुत ज़्यादा सर्दी है गाइस। ठंड के समय है ना, मैं इसलिए अभी ठंड का समय चल रहा है, स्वेटर भी नहीं पहना गाइस क्योंकि फट चुकी है, तबीयत ख़राब हो चुकी है गाइस। एंड मॉम डैड, मॉम एंड सिस्टर, फैमिली वाले गए हुए हैं भागवत में एंड मैं हूँ अकेला घर पर। अब क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, घर में बोरी लगता है गाइस काफ़ी। सो गाइस, आप सब देख सकते हैं लेकिन मैं सूख गया हूँ, हाँ पैर चेहरा सब ग्लो ही गायब हो चुका, कोई कुछ भी ग्लो नहीं है चेहरे पे। सो गाइस, जब यहाँ पे हम खाना पकाते हैं गाइस, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि ऐसे वीडियो मत डालो यूट्यूब में। देखिए क्या होता है कि यूट्यूब परमिशन देता है, आपको कभी ये नहीं कहता कि आप ऐसे वीडियो मत डालिए। यूट्यूब एक कंपनी है, वो कभी मना नहीं करता वीडियो अपलोड करने के लिए, लेकिन ऐसे वीडियो डालने कहता है जो गाइडलाइंस के खिलाफ ना हो, मतलब गाइडलाइंस का पालन करते हुए ऐसे वीडियो अपलोड कर सकते हैं आप सोशल मीडिया में, यूट्यूब में। एंड अगर लाइफ स्टाइल की बात की जाए तो लाइफ स्टाइल के बारे में आपसे मैं यही सब शेयर करता हूँ कि मेरा रहन सहन और ये सब, उसके अलावा गाइस मेरे पास कोई और बातें नहीं हैं। क्योंकि जब चैनल की स्टार्टिंग थी उस टाइम से लेकर अभी तक मैं बस यही सब कुछ शेयर करते आया हूँ। और बस अब बस चैनल की चलाने की देरी है, कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते ही रहो, रिजल्ट आपके सामने खुद आएगा, मेरे सामने रिजल्ट खुद आने वाला है कि मैं यूट्यूब पर कितनी मेहनत कर रहा हूँ और वो मेहनत कब सफल होगी, उसका रिजल्ट थोड़ी देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर, क्योंकि रिजल्ट थोड़ी हो सकता है देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। भाई सुबह से दुकान में बैठा हूँ तो जहाँ भी जाऊँ सुबह से दुकान में हूँ तो भी नाक आ रही है कि अब पूछ के पागल हो जा रहा हूँ। सर्दी का समय है, पूरी नाक लाल हो जाती है। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, पेट भी गड़बड़ से लग रहा है। मुझे बहुत लोगों ने एक बात बोली गई इसकी यूट्यूब पर, क्या कुछ फ़ायदा है या बस ऐसे ही। देखिए गाइस, कोई भी इंसान अपना घाटा तो नहीं करना चाहेगा, काफ़ी लोगों ने मुझे बोला लेकिन यूट्यूब, मैं यूट्यूबर बनना चाहता, उसे टाइम पास करने के लिए नहीं, उससे मुझे फ़ायदा होगा ऐसा से, क्योंकि अगर बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो ऐसे हैं जो यूट्यूब में सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करते, वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं उसमें, उनके ड्रीम है, इसीलिए तो यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, वरना क्यों करते। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है गाइस, इसमें टाइम पास करने के लिए तो हम यूज़ नहीं कर सकते ना, कुछ हमारे काम की जो बातें हैं, हमारा जो करियर है, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे टेंशन जो ब्रेन में हमारे दिमाग में टेंशन घर करने लगती है। आज मैं स्कूल पढ़ता तो आज शायद में ऐसा नहीं होता, मैं कॉलेज वाले चल रहा हूँ पढ़ने, लेकिन क्लास में फेल होने के बाद बस मैंने यूट्यूब का ही इसी का हाथ पकड़ लिया, तो बस अब लगा हूँ। अब रिजल्ट कब मिलेगा पता नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगा। अब वो कैसा मिलेगा ये तो मेरी मेहनत पर ही है कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ उसमें,
बस यही सब है। मतलब जिंदगी में आप जो भी काम करो अच्छा काम करो, जो भी, इसका मतलब नहीं कि ऐसा नहीं कि बुरा काम करने लग जाओ, बस मतलब अच्छा काम, आपको जो भी अच्छा काम पसंद हो वो आप कर सकते हो। तो मुझे यूट्यूब पर काम करना था और अभी भी काम करना है शुरू से मेरी, वैसे तो बहुत सारे मैंने ड्रीम चेंज किए कि मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन डिसीजन लेना एक बार में मुश्किल है, तो वक्त लगा। उसके बाद अब डिसीजन आ गया कि भाई यूट्यूब में ही घुसना है, बस प्रैक्टिस चालू। अब कोशिश करने लगा धीरे धीरे, देखता हूँ ज़िंदगी में यूट्यूब मुझे कैसा रिजल्ट देता है इसका। काफ़ी लोगों को मैंने देखा हूँ यूट्यूब में कि ये बातें बोलने बताई है कि यूट्यूब में पैसे नहीं आते, उनकी वीडियो देखा मैंने तो मुझे लगा कि हाँ, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हाँ मेरे बैंक में तो मैंने सालों से मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब में, इक्का सिक्का नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन हो सकता है कि उसमें कोई कमी हो, क्योंकि यूट्यूब जिसके पास काम धंधा नहीं होता है मेरी तरह वो यूट्यूब में आ सकता है, ऐसा नहीं है। जिसके पास टाइम हो और जिसकी मर्ज़ी है तो वो आ सकता है, किसी की मर्ज़ी हो या ना हो ज़बरदस्ती तो नहीं है ना। तो बस यही है कि जिसको जो काम पसंद आता है वो वही काम करता है। अपने पास तो बाइक है नहीं, एक बाइक है तो बस वो घर में ही रहती है परमानेंट, अपना भाई चलाता है। एंड जिस दिन मैं गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन मैं इस चैनल में सफ़र हो जाऊँगा लोग उस दिन से जानेंगे कि हाँ यूट्यूब में कुछ है और ये लड़का सिर्फ इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे अंदर जितना दिमाग है मैं उसका यूज़ करता हूँ, इसलिए ज़्यादा दोस्त नहीं बनाता, नो दोस्त अलोन। एंड गाइस अपना तो सपना एक ही है, माता पिता की सेवा करो, अच्छा काम करो, उनके साथ घर पर काम करो। मतलब माता पिता को कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ मेरा बच्चा गलत काम कर रहा है कोई, जैसे आजकल के लड़के करते हैं तो बहुत बुरा लगता है इस बात का कि माता पिता ने आपको जन्म दिया है और बच्चे उन्हीं को बात नहीं मानते, उन्हें कि उन्हीं को डांटने लगते, तो ये अच्छी बातें नहीं है। इसीलिए गाइस मैं ज़्यादा घूमता नहीं हूँ सिर्फ घर में, और लोग पूछते बहुत घर पर रह रहा है तो भाई क्या कर सकते हैं, हमको माता पिता के साथ समय बिताना है, हमको उनको देखभाल करनी है उनकी, तो बस यही काम है हमारे पास, उसके अलावा दूसरा काम हमको पसंद नहीं है। सो बस गाइस आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। एंड गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड गाइस आप चाहो तो मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।